हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा आज आपको राइट इशू में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताने वाला हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के राइट इशू के बारे में आपको बताया था। मेरे व्यूवर्स को उसे देखकर इनके मन में ये सवाल आया कि अगर वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हैं तो वो इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और जो पहला तरीका है वो ASBA ऑप्शन के थ्रू, और दूसरा तरीका ये है कि सेबी ने राइट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कंपनीज के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को टेम्पररी अलाउ किया है। तो आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाना है और RTA के कॉन्टेक्ट डिटेल को निकालने हैं और उन्हें कॉन्टेक्ट कर पूछना है कि आगे में करना क्या है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ASBA वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर आप पहले भी IPO में अप्लाई कर चुके हैं तो आपको ये भली भांति पता है, लेकिन अगर कोई भी कुछ दर्शक जिन्होंने IPO में अप्लाई नहीं किया हुआ है तो मैं बता दूं, आपको अपने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करना है और आपको ASBA ऑप्शन को ढूंढना है, और आप जैसे ही ASBA ऑप्शन ढूंढ लेंगे तो उसमें आपको RPP इंफ्रा मिल जाएगा और वहां से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपका जो भी अमाउंट आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मतलब आपको जितने भी शेयर अलॉट हो सकते हैं उसके हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, और जब कुछ दिनों के बाद ये इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो वो इक्विटी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। कई दर्शक ये भी पूछ रहे हैं मुझे कि क्या हम इस शेयर को 20 तारीख को बेच सकते हैं या मुझे 20 तारीख को तक इसे रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप ऑन द सेफर साइड आप उसे 20 तारीख तक जरूर होल्ड करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी कारणवश आपको किसी तरीके का लॉस हो। ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल हो और आपके बेचने की वजह से आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाए। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें, और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और आप मेरे सारे वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने आसपास जो भी लोग हैं, दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।